नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन चौक जैन मंदिर, जहां है नंदीश्वर दीप की रचना, भोपाल का सबसे प्राचीन एवं अपनी भव्यता लिए चौक बाजार का जैन मंदिर हजारों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। प्रातः काल से ही यहाँ भक्तों का तांता लग जाता है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक यहाँ प्रातः दर्शन के साथ साथ अभिषेक, शांति धारा एवं पूजा करते हैं। यहीं बगल में जैन धर्मशाला भी है, जहां पर ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। यहां जैन संतों का आना जाना लगा रहता है और यहां जैन समाज लगातार संतों का पड़गहन करके आहारचर्या संपन्न कराती है। अभी तक हमने आपको इसकी तीन कड़ी दिखाई, अब देखिए अंतिम कड़ी में वहां स्थित नंदीश्वर दीप के बारे में यह क्या होते हैं और कहाँ पर स्थित है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। ये चौक बाजार का मंदिर कहलाता है। हमारे साथ खड़े हैं भोपाल जैन समाज के मंत्री सुनील जी, मनोज जी। पंचमेरु हैं, पांच मेरु होते हैं। ये नंदीश्वर दीप जो होता है, यहाँ से भाई दीप तक तो मनुष्य जा सकता है, उसके आगे मनुष्यों का जाना संभव नहीं है। तो वहाँ पर देवलोक के लोग जो वासी हैं वो लोग पहुँचते हैं। वो नंदीश्वर दीप की रचना है। वहाँ पर 52 दिनारे हमारे बने हुए हैं, जो कि 53 दिनारे हैं वो वहाँ पर बने हुए हैं। वो उन 52 जनारों की वंदना देव लोग देव जो है वो वर्ष में तीन बार वहाँ पर करते हैं 8 दिनों तक। ये कहाँ होंगे? ये ढाई दीप के बाद एक नंदीश्वर दीप है, मानुषोत्तर में। ढाई दीप के बाद एक पर्वत है मानुषोत्तर पर्वत, उसके पास में नंदीश्वर दीप होगा, वहाँ ऐसे पंचमेरु बने। मनोज भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी, ये जानकारी शायद ही किसी को होगी। वैसे भी लोग जैन धर्म के बारे में ज्यादा जानते नहीं है, इसलिए हमारा उद्देश्य है कि हम जैन धर्म के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताएं। और भी मनोज भाई अभी और हमको दिखाएंगे ऊपर। मनोज भाई को बहुत सी जानकारी है, मुझे लगा कि शायद ये युवा है तो इनको इतना नहीं पता होगा जैन धर्म के बारे में, लेकिन अच्छा लगा कि युवा लोग भी धर्म से जुड़ रहे हैं। वैसे भी जैन धर्म में बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि मंदिर जाएं और त्याग करें। अभी हम और ऊपर चलेंगे और इस मंदिर के दर्शन से। कितने साल से आ रहे हैं आप? मैं तो बचपन से इसी मंदिर से। तो क्या पूजा अभिषेक भी करते हैं आप? क्या लगता है आपको करने के बाद, कैसा लगता है अंदर से? शांति मिलती है मंदिर में आने के बाद और बहुत अच्छा लगता है, एक अलग भावना बढ़ती है मंदिर से। जी, मैं दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट में ट्रस्टी जी रूप में पदस्थ हूं। क्या काम रहता है आपका इसमें? मैं हम ट्रस्टी लोग समाज की व्यवस्थाओं के लिए जुड़े हुए हैं संगठन से, और समाज में जो व्यवस्थाएं, मंदिरों को सुचारू रूप से संचालन करना, धर्म की प्रभावना करना और जो भी कार्य मंदिर से संबंधित हैं उन सभी कार्यों को हम सुचारू रूप से संपादित करते हैं। हमारे अध्यक्ष जो हैं उनके माध्यम से ट्रस्ट का निर्माण हुआ है और हम सभी लोग अपने पूरा समर्पण भाव से मंदिर की सेवा करते हैं।